ये सब जानते हैं कि सोने का मृग नहीं होता, छोटा सा बच्चा भी जानता है। क्या भगवान नहीं जानते थे? या मां सीता नहीं जानती थी? कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी इस वाटिका में अगर ये सुंदर मृग रुक जाए तो कितना आनंद हो जाएगा। राम जी ने कहा कि देवी ये कुछ धोखा है। सीता कहती है धोखा हो या कुछ हो, क्या आप मेरे लिए ला सकते हैं? अपनी पत्नी का आग्रह आप ठुकरा रहे हैं। और ये लीला श्री राम और सीता जानते हैं, ये इतना आसान नहीं है। तब उन्होंने बड़े आनंद से, बड़े ऐश्वर्य से सीता जी से कहा कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं ले आता हूं। तो सोने के मृग के पीछे राम जी गए हैं। श्री लक्ष्मण जी को बोला तुम्हें इनकी रक्षा करनी है, तुम्हें यहां देखरेख करनी है। और अब ये महादर्शन हम सामान्य लोगों के लिए है कि जब भी हम सोने के दर्शन में, सोने से दर्शन का मतलब ये, दुनिया की माया में अपने दीदे को, अपने हृदय को, अपनी आंखों को लगाएंगे तो राम हमसे दूर हो जाएंगे। सीधा दर्शन। और यही हुआ। बुद्धि विवेक बल द्वारा सीता जी की रक्षा करना, लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है भाई, आप अगर आज्ञा दे रहे हैं तो मैं ऐसा कर लूंगा। और दर्शन आता है कि हिरण राम जी को चौकड़ी भरता हुआ दूर ले जा रहा है, जबकि राम जी ये वही राम जी हैं। अब समझिए लीला को, बहुत बहुत गूढ़ता से समझिए। ये वही राम जी हैं जो फटिक शिला पर बैठे थे, उन्होंने तिनका उठाया था और जयंत का पीछा करने लगा वो तीनों लोगों तक। तो राम जी को कहीं जाने की जरूरत है, लेकिन यहां जा रहे, क्योंकि अगर जाएंगे नहीं तो लीला पूर्ण नहीं हो। तो राम जी जा रहे हैं। अरे राम जी चाहते, बोला मृग, ए मृग रुक जा, आजा भैया। खड़ा हो गया वो तो प्रणाम करता, लेकिन जब तक राम नहीं जाएंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। न जाने किस किस का कल्याण छुपा है। अब रावण कह रहा है मुझ पर कृपा हो जाए, उनको उस पर भी कृपा करनी है। तब वो गया और उसके पीछे श्री राम गए। हिरण को भगवान ने जोर से एक बाण छोड़ा, हिरण चिल्लाता हुआ गिरता है। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। अब बाद में जब वो मरने लगा तब पांचे सुमरेसी मन महु रामा, मन में ही श्री राम श्री राम श्री राम। क्योंकि वाणी से तो कुछ भी बोला जा सकता है, आपके मन में कुछ है, वाणी पे कुछ है, मन में राम होना जरूरी है। हो सकता है मुख पे ना हो, चलेगा, उसके मन में राम। लक्ष्मण जी ने सुना, सीता जी ने सुना ये आवाज कैसी आई। सीता जी कहती है तुरंत जाओ। बोला मां मैं कैसे जाऊं? बोला तुम्हारे भैया संकट में। बोला कौन संकट में? ब्रकुटी बिलास सृष्टि लय होई, इसकी ब्रकुटी का ऊपर नीचे हो जाने से सृष्टि का लय हो जाता है, वो संकट में। किसके बारे में बात कर रही हैं आप? लक्ष्मण जी भी विदुषी हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को मालूम ही नहीं है चल क्या रहा है। और जो चलाने वाला है वो अपनी गति से सारी चीजें चलाता है। सपने हूं संकट पड़े ने सो, इनको सपने में भी संकट नहीं आ सकता, किसकी बातें कर रही हैं आप? बोला नहीं, मेरी आज्ञा है। और सीता जी ने कटु वचन बोले, कटु वचन, क्योंकि मालूम था लक्ष्मण ऐसे नहीं जाएंगे। और तब कटु वचन जब बोले तब श्री लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची है कि आपसे निवेदन है कि आप इसके बाहर न जाएं, आप इसके बाहर न जाएं जब तक हम लौट कर ना आए। सीता जी ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। लक्ष्मण जी वहां से निकले हैं और रावण साधु का वेश बनाकर कुटिया के बाहर आकर खड़ा हो गया, साधु का वेश। क्योंकि रावण इस कृत्य को देखो, मन के अंदर आप बाहर से कुछ हो जाए, मन के अंदर सारी ज्ञान है। इस कार्य को करने के लिए रावण ने भी वेश जरूर बदला है, जैसे अभी उसने बदला था, फिर आगे उसने बदला था, रावण ने भी वेश बदला, क्योंकि रावण होकर यह कार्य किया ही नहीं जा सकता था। मां सीता का अपहरण
रावण बन के नहीं हो सकता। एक बार मंदोदरी ने बोला कि आप रोज जाते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? अगर वो कहती हैं कि नहीं, तो तुम क्यों जा रहे हो वहां पर? तो किसी ने कहा कि तुम तो भेष बदल लेते हो, तुम अगर इतने ही जिद्दी हो तो राम बनकर जाओ। आहा, रावण कहता है देवी मैंने ये भी करके देख लिया, और जब जब मैंने राम का स्वरूप धारण किया मुझे सभी और जो है सभी देवियां दिखाई दे रही हैं, सभी माता दिखाई दे रही हैं, वहां कहीं मेरे अंदर वो भाव ही पैदा नहीं होता, ऐसा दर्शन है राम। तो ये संभव नहीं है। रावण ने साधु का वेश धारण किया और साधु का वेश धारण करके वो वहां पहुंचा है, और भाई भिक्षां सीता ने अंदर से देखा, अरे कोई भिक्षा मांगने आए हैं। सीता ने वहीं से कहा कि लीजिए। बोला नहीं मैं ऐसे नहीं होगा, बाहर आना, यहां दर्शन स्त्री के लिए है, यहां दर्शन स्त्री के लिए। और दर्शन यह है कि कुल जिस परिवार में हम रह रहे हैं उसकी अपनी मान मर्यादाएं हैं, जब भी हम उनको लांघेंगे गड़बड़ होगी। और हुआ कि यहां पर जैसे वो बाहर आई, उसने अपने स्वरूप में आया, खींच कर ले गया, सामने विमान खड़ा है, विमान में बैठाया और उड़ चला। सीता रो रही है, सीता चीख रही है, हे राम चिल्ला रही है। सोचो उस मृग की आवाज यहां तक आई, लेकिन सीता जी की आवाज वहां नहीं जा रही है। ये भी लीला है। और तब ये आवाज किसको सुनाई दी? ये तो राम जी को सुननी चाहिए थी, लक्ष्मण जी को सुननी चाहिए थी, लेकिन लीला में यहां राम जी और लक्ष्मण को नहीं, गिद्धराज जटायु को सुनाई दी, क्योंकि अब उनका कल्याण होना है। गिद्धराज जटायु ने जैसे ही सुना, गिद्धराज रावण से लड़ने पहुंच गया। विचार कीजिए, राम की सरलता का दर्शन अगर देखना है तो यहां देखिए कि गिद्धराज जटायु जब रावण से लड़ रहे हैं, रावण जैसा व्यक्ति जितना सामर्थ्य था उतना लड़ा, और बाद में दोनों पंख कट गए और भूमि पर गिर पड़ा और मृत्यु के इंतजार में पड़ा हुआ है। सोचो, भगवान को पाने का एक दर्शन। लोग कहते हैं भगवान कैसे मिलेंगे? अरे यहां जटायु ने क्रोध करके भी भगवान को पा लिया, क्योंकि वो क्रोध भी राम काज के लिए भगवान को पा लिया। पंख कट गए, भूमि पर गिर गया, लहू लुहान हो गया, और तब उसने ले जाकर सीता जी को अशोक वाटिका में छोड़ दिया। रावण राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि तुम सीता को अकेला छोड़कर यहां पहुंचाए? मैंने तुम्हें सीता की रक्षा के लिए बोला था। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसी ऐसी घटना घटी, मां ने मुझको बोला तुम जाओ, मैं आ गया। बोला लेकिन मैंने भी तो तुमसे कुछ कहा था, मतलब क्या करता मैं? जो स्थिति बनी उस स्थिति के अनुसार मुझे आपके लिए उन्होंने भेजा, और उनकी न मानता तो दिक्कत थी, मैं आ गया। राम जी समझ गए गड़बड़ हो गई, लीला अपनी पूर्ण हुई। राम जी ने कहा लक्ष्मण दौड़ो। राम और लक्ष्मण दौड़े हैं, दौड़कर आकर जब उन्होंने कुटीर के पास जाकर देखा, हे सीते, वहां से कहीं भी सीता जी की आवाज नहीं आती, कोई सीता जी की